बेंजीन में जीआई नहीं होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, बेंजीन में जीआई नहीं होगा पार्थ। बेंजीन में जीआई क्यों नहीं होगा अभिन्न? सब एसपी टू है। सबके सब एसपी टू है, तो इसके अंदर क्या है, वेजडाश नहीं है, बस एक एक बॉन्डी है। अगर मैं ऐसे लिटा दूं ऐसे बेंजीन को, दिस इज हाउ इट विल लुक, ठीक है, ऐसे एक दो तीन चार पांच छ, ऐसा बिल्कुल ऐसे फ्लैट मॉलिक्यूल दिखाई देगा तुम्हें ये, ठीक है। बेंजीन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ। सपोज मैंने ग्रुप ए और ए यहां लगाया तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ए और ए यहां लगाया तो मेटा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसको हम डिस्टेंस चेंजिंग में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज पोजीशन चेंज हो रही है, 1 2 1 3 1 4, राइट। ओके, तो ये सारे जीआई के केसेस में हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि ऑप्टिकल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया था बिना ऑप्टिकल पढ़े, ऑल्दो हम ऑप्टिकल को प्रॉपरली डिटेल में, ठीक है, जब वो अंदर घुसना शुरू करेंगे तो तुम्हें फील होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और बिना ऑप्टिकल पढ़े हम लोगों ने देखा था कि कभी कभी जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सपोज ये सी एल है और ये सी एल है, एंड दूसरे केस में ये सी एल है और ये सी एल है, तो दोनों ही दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, फिर भी ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, नहीं हमें नोट नहीं करना है सर, ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। तो सुपर इम्पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसका रफ आइडिया तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री से निकाल सकते हो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो सुपर इम्पॉसिबल होगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा। सही बात है ना भाई, ये हमने लास्ट क्लास में इतना देख लिया था। और क्या, हाँ, अब जो है हम लोग क्या है, जीआई देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि रिंग्स और पाई बॉन्ड्स और उसके कॉम्बिनेशंस हो। तो मतलब मेरे पास बेसिकली ये सेक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, क्या बताओ, मल्टीपल रिंग्स, थोड़ा मुश्किल हो सकता है देखो स्टार्टिंग में, मल्टीपल रिंग्स, मल्टीपल पाई बॉन्ड्स, ठीक है, और मिक्सचर, इन सब का कॉम्बिनेशन हो। तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड रिंग का भी, डबल बॉन्ड इन रिंग में क्या है संभाजी भाई, मतलब अगर छोटी मोटी रिंग है तुम्हारे पास में, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मेरे पास में 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो 3 मेंबर्ड रिंग में ऊपर नीचे हमारे पास में केस होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लेकिन जैसे ही तुमने यहां पे पाई बॉन्ड लगा दिया, पाई बॉन्ड लगाते ही ये चीज फ्लैट हो जाएगी, एक सिंगल बॉन्ड, लाइक बेंजीन। सही बात है ना, तो ये जो हिस्सा, इतना हिस्सा है, ठीक है, इसके अंदर डिस्टेंस चेंजिंग जो है बंद हो गया है, ठीक है, देयर कांट बी टू डिस्टेंसेज इन दिस केस राइट नाउ। दो तरह के डिस्टेंसेज रिंग में तभी आएंगे जब कार्बन sp3 होगा, क्योंकि दो बॉन्ड तभी आएंगे जब sp3 होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो बोलो। बस लास्ट क्लास में बस पहले तो होमवर्क से डिस्कस किए थे ना, बाकी क्वेश्चन 3 4 5 नहीं किया। आई गेस, हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो 13 एग्जाम्पल वाला डिस्कस कर लिया था ना, जिसमें 13 एग्जाम्पल थे। हाँ हाँ सर, और उसके पहले वाला जो था बस वही था। हाँ डबल बॉन्ड इन रिंग में, ठीक है, डबल बॉन्ड इन रिंग में, जैसे सपोज मेरे पास में 5 मेंबर्ड रिंग है, सपोज मैंने यहाँ पाई बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आयरोनिक है। अकेला 5 मेंबर्ड रिंग होता तो जीआई शो कर सकता था, हाँ, अकेला डबल बॉन्ड होता तो जीआई शो कर सकता था, हाँ, दोनों को मिला दिया तो जीआई शो करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग में मेरे पास जो भी एटम में लगाऊंगा, सपोज यहां पे सीएल है और यहां पे बीआर है, इसमें बिना पोजीशन चेंज किए और कोई आइसोमेरिज्म इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तुम इसमें डिस्टेंस चेंज कर ही नहीं पाओगे। लेकिन ऊपर तो कर सकते हाँ सर, ऊपर तो कर हाँ सकते, सर, पाई बॉन्ड के अलावा हाँ सर, वो कर सकते हैं। ऊपर मैंने तो तुम्हें कर क्या सकते। बोला, बिना पोजीशन चेंज किए तुम इसमें कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाओगे। पोजीशन चेंज कर रहे हो ना तुम लोग, सुनिए, ऊपर के उसमें तो अगर दोनों का
मतलब क्वेश्चन में पोजीशन थोड़ी दिया था, क्वेश्चन ने पोजीशन नहीं दिया था, नहीं क्वेश्चन है नहीं, हम तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। सर आपने पोजीशन स्पेसिफाई थोड़ी किया कि केवल पाई बॉन्ड पे लगना चाहिए। अरे अच्छा देखो, मैंने मैंने तुम्हें अगर ये मॉलिक्यूल दिया, मेरी बात सुनो, हाँ सर इसमें नहीं पॉसिबल रहेगा, मैं तुमसे पूछता हूँ हाँ सर इस मॉलिक्यूल में पॉसिबल नहीं रहेगा। हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि भाई इसका इसका मैं तुम्हें पोजिशन ऑटोमेटिकली फिक्स ही हो गया ना, पाई बॉन्ड के अलावा तुमने कहीं भी और किया तो नंबरिंग तो उसकी अलग हो जाएगी, तो ऊपर कर सकता है वो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैंने सी एल बी आर यहाँ लगाया, मतलब इसमें केसेस क्या क्या थे ये भी अपन देख लेते हैं। सर फिर हम ओवरऑल क्या लिखेंगे, करेगा या नहीं करेगा? नहीं ये मॉलिक्यूल तो नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया ना। यहाँ देखो इसमें तुमने यहाँ पे सपोज बी आर लगाया, ठीक है, एक एक तुमने बी आर लगाया और एक सी एल को तुम साइड में ले गए ऐसे, और तीसरा केस क्या है बताओ कि तुम दोनों ही कोई हटा के साइड में ले गए सी एल और बी आर, तो अब एक एक करके तीनों का आंसर देते हैं। तो भाई पहले ये वाला करेगा या नहीं करेगा, लास्ट वाला करेगा, लास्ट वाला करेगा, बिकॉज इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, और ये साइट जो है वैसे भी एक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे क्या लगा है संभाजी, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो ये साइट करेगी इसलिए मॉलिक्यूल करेगा। अब ये मॉलिक्यूल करेगा या नहीं करेगा बताओ, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। देयर इज समथिंग टिंगलिंग एट द बैक ऑफ योर हेड कि एक मिनट, एक बीआर के पास बीआर फ्लैट है, ऑप्शन था और ये जो है डिफरेंट एटम था फिर भी जीआई शो नहीं हुआ, तो ये क्या क्या ये दो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं कि ये एनजियोमर्स हैं? जैसे जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बस ऑप्शन ही नहीं है ऊपर नीचे करने का, देयर इज नथिंग टू डू इन दिस केस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में एक्चुअली छोटा सा एक एक्चुअली इशू है, वो सर एनेंशियोमर्स होंगे ना, प्लेनोसिमेट्री तो नहीं है, नहीं प्लेनोसिमेट्री नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसलिए वो जो तुम सीएल को ऊपर नीचे कर रहे हो वो डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा है, वो मिरर इमेजेस प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा है, वो मिरर इमेजेस प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, कि मैंने एक जो है इसको अच्छा अच्छा डायग्राम अपन कैसे बनाएं, तो मैं इसको जो है ऐसे फ्लैट लेटा देता हूं पहले, लेट्स लाई दिस फाइव मेंबर रिंग डाउन, एंड इसमें एक बी आर को हम लोग ऐसे लगा देते हैं, एंड एक सी एल को सपोज तुमने ऊपर रखा और इसको एच को तुमने नीचे रखा, ठीक है, तो इस ये जो बी आर है ना, ये एक्चुअली इसके ये वाले प्लेन में आता है, ये ठीक है बीच के प्लेन में आता है, और ये जो H है और ये जो Cl है ये एक्चुअली ऊपर और नीचे बॉन्ड्स बने हुए हैं एक्चुअली, ठीक है, तो जब इसका तुम फ्लिप मार दोगे तो दैट दैट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी लाइक क्या हो जाएगा बताओ, Cl नीचे आ जाएगा H ऊपर चला जाएगा और Br जो है वो अभी भी यहाँ का यहीं पे है, इस बी आर का डिस्टेंस इससे जो है और इस बी आर का डिस्टेंस इससे जो है ये सेम है एक्चुअली, दिस एक्स एंड दिस एक्स इज सेम, ये तुम्हारा थ्री डी इमेजिनेशन तुम्हें परमिट करता है ना भाई, ओके ओके विश्वजीत, ठीक है ना भाई राधिका, यस सोनल ठीक है ना, हाँ सर, अच्छा विश्वजीत, अब ये आइडेंटिकल हैं या एनेंशियोमर हैं वो देखने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसके अंदर, तो ये वाला प्लेन इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, बी आर नहीं है, नहीं है, पाई बॉन्ड कट गया लेकिन सी एल और एच तो अलग अलग हैं, तो ये तो नहीं है, और क्या और कोई प्लेन जो मैं इसके थ्रू काटूं, नहीं हो सकता, वो हो सकता है क्या, नहीं वो भी नहीं हो सकता है, अल्टीमेटली यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, तो क्या मैं कांच लगा के प्रूव कर सकता हूँ कि ये इसका मिरर इमेज है, यस हाँ सर, यस ठीक है, कि मैं अगर नीचे यहाँ पे मिरर लगाऊं, देखो इफ आई प्लेस अ मिरर लाइक दिस, ये मेरा कांच है,
इसमें जब मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो फाइव मेंबर्ड का फाइव मेंबर्ड ऐसा आ जाएगा एज इट इज. देखो ऐसे कांच लगाया तो बताओ ये किस डायरेक्शन में इन्वर्जन करेगा डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो, ये वाला डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा राइट. तो इसलिए बी आर तो वहीं का वहीं रहेगा, ये एच का इमेज ऊपर एच और नीचे सी एल आ जाएगा, दिस एंड दिस इज सेम. इसलिए विश्वजीत ये क्या है, एक्चुअली एनजियोमर है और सुपर इम्पोजिबल नहीं है. नहीं सुनो, कांच में शक्ल देखना एनजियोमर नहीं होता है, इसको पिक करो. मेरा एक डाउट था. हाँ सर, एनजियोमर मतलब जो जीआई और ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों नहीं होते ना. एनजियोमर मतलब जो जीआई, नहीं नहीं एनजियोमर मतलब जो ऑप्टिकल, एनजियोमर ऑप्टिकल आइसोमर का ही पार्ट है. अच्छा मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हुए तो मतलब आइदर कंप्लीटली आइडेंटिकल होंगे या फिर एनजियोमर होंगे, आपने ऐसा कॉलम बनाया था. नहीं 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 ऐसा नहीं है. सुनो उसको तुम, उसको तुम एक बार उसमें मत जाओ अभी, तुम और ज्यादा कंफ्यूज जाओगे. अभी बस याद रख लो कि देखो देखो तुम्हें ये समझ में आ रहा है रजत, रजत ये क्या है, व्हाट इज दिस थिंग सर, आदमी. बिल्कुल सही. और ये क्या है रजत, दोनों उसके हाथ. यस तो तुम ये आदमी अभी क्या कर रहा है रजत, दिखाओ सर. ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है वो इसको उठा रहा है और वो उठा के ले जाके इस जो है मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रख रहा है. तो इसको रख के इसके ऊपर फिट करके देखो ये सुपर इम्पोज कर रहा है क्या, बताओ. नहीं सर नहीं कर रहा ना, ये एच और सी एल आपस में मैच नहीं करेंगे ना. यस सर, यदि एच और सी एल मैच नहीं करेंगे दिस मीन्स कि सुपर इम्पोजिबल नहीं है. जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं उसे हम लोग एनजियोमर बोलते हैं. ओके सर समझ गए. हाँ विश्वजीत, आइडेंटिकल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. अगेन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट आकाश पूछना है तो पूछो. और नो ओके. तो इसलिए मैं आता हूं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक है, जो एक्चुअली क्या है, जो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स है. अब मैं एक छोटा सा चीज पूछता हूँ. देखो सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, के ऊपर यहाँ पे ए और बी था और यहाँ पे ए और बी था, क्या ये जी आई दिखाएगा? यस. तो मैं आगे जाता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए और बी है, क्या ये जी आई दिखाएगा? बोल दो. नहीं दिखाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल है तो एनजियोमर ही होगा. हाँ ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ पार्थ, देयर इज अ प्रॉब्लम इन ऑप्टिकल. उसमें एनजियोमर के अलावा और भी कुछ बैग में है ऑप्टिकल में, वो हम ऑप्टिकल आएगा तभी शुरू कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते. ठीक है, गुड आलोक. ठीक है, ये एक्चुअली जी आई नहीं दिखाएगा क्योंकि ये इसका ट्रू डायग्राम नहीं है. क्या बात है, वाह वाह राधिका. हाँ प्लेन परपेंडिकुलर सपोज मेरे पास में अगर मैं लगाऊंगा तो इसका एक्चुअल डायग्राम जो है वो ये है कि सी ए और बी तुमने यहाँ पे रखा, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और फिर ये ए और बी ऐसा हो जाएगा ऐसा. ठीक है, तो मैंने लेक्चर में ही बताया था और मैं अभी भी इसमें बता रहा हूँ दैट दिस इज लाइक मैं एक ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ छोटा सा जो मेरा काम चला थे. तो कितने कितने अच्छे दिन है रजत, जब मैं बिल्कुल वीडियो ऑन करने के लिए तुम्हें परेशान नहीं करता हूँ. दिस इज लाइक ये एक मेरे पास पेन है, ये मेरे पास में दूसरा पेन है. तो देखो सीधी सी बात है, जैसे ये जो पेन मेरे पास में है इसका टिप मान लो ए है और इसका जो ये बॉटम है मान लो बी है. दूसरा पेन जो है अगेन उस केस में क्या है, मान लो इसका टिप मेरे पास में ए है और इसका बॉटम मेरे पास में बी है. तो फर्स्ट केस में दोनों जो है एक दूसरे के सामने ऐसे लाई कर रहे हैं, तो जो टिप से टिप का डिस्टेंस है, ठीक है, अगर मैं एक ग्रुप ऑफ एटम्स को ऐसे फ्लिप कर दूंगा तो टिप से टिप का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया है क्योंकि दोनों सेम प्लेन में है, राइट. ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि मेरे पास में वो ऐसे लाई कर रहे हैं,
लाइक दिस। तो टिप से टिप का डिस्टेंस अभी जो भी आ रहा है मेरे पास में, अगर मैं एक कोई भी एक साइड ऑफ एटम्स को चेंज भी कर दूंगा, कोई भी एक साइड ऑफ एटम्स को मैं चेंज भी कर दूंगा, तो अगर मैंने एक टिप को नीचे रख दिया इस तरह से, तो डिस्टेंस अभी भी सेम है। तो व्हेन दे आर नॉट इन सेम प्लेन, ठीक है, देन ये डिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर सेम प्लेन में नहीं है तो डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, इसलिए वो जी आई तो नहीं होने वाला है, डिस्टेंस सेम है। यस राइट, तो तुम्हें थोड़ा सा बस प्लेन ऑब्जर्व करना है, सारे पाई बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स जी आई नहीं शो करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना भाई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगेन फिर यहां पे हम बाद में देखेंगे, बाद में वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है इसके अंदर, बताओ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों भैया बिन, है कि नहीं? नहीं है सर। धनुष है कि नहीं सर? लेकिन अगर हम इसका जी मतलब क्या बोलते हैं बी और ए को स्विच करते एक जगह पे। हाँ सर, मतलब कर तो सकते हैं ना सर। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक परपेंडिकुलर पे एक प्लेन पे है। नहीं मतलब हो तो सकता है, तुम ऐसे नहीं बोलोगे मैंने ए ए सेम कर दिया तो हो जाएगा। लेकिन अभी इस केस में ए और बी है ना, तो फिर हाँ नहीं हो सकता, सही बात है, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। अच्छा कौन बोल रहा था कर सकते हैं क्या? नहीं, अच्छा धनुष तुम क्या बोल रहे थे, क्या डाउट था भाई किसी को? सर नहीं नहीं, वो मैं बोल रहा था कि इसमें होगा नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब अगर आप वो ए कर देते तो हो सकता था, वो सेम होते तो, अभी बी है तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो भाई सपोज सपोज मैंने मैंने जो है यहाँ पे कांच लगा दिया, मनीष हो क्या भाई? जी सर। यहाँ पे कांच लगा दिया मनीष, तो इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है, तो मनीष कौन सा वाला साइड फ्लिप हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड वाला ए बी फ्लिप होगा कि राइट साइड वाला ए बी फ्लिप होगा, थोड़ा इमेजिन करो। मतलब डिफरेंट, हाँ फ्लिप होगा, दोनों ही होगा सर। ये दोनों फ्लिप नहीं होते हैं। हाँ राधिका सही है, तुम कांच में शक्ल देखती हो, फ्लिप नहीं, जो परपेंडिकुलर है वो होगा ना, जो प्लेन। हाँ सर, नहीं जो कि उसके मतलब जो कि जो कि मिरर के नॉर्मल होता है वो फ्लिप होता है ना। हाँ हाँ समझ रहे हो, तुम जब कांच के सामने अगर खड़े होते हो मनीष, ठीक है, तो तुम्हारा तुम्हारा लेफ्ट साइड साइड फ्लिप नहीं होता है, तुम्हारा 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 फ्रंट नोज बैक ऑफ द हेड वाला साइड फ्लिप हो जाता है। यस
सॉरी आवाज आ रही है भाई? हाँ सर। अरे यार पता नहीं क्या ध्यान था यार, लैपटॉप चिल्ला रहा था तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि इसको चार्जिंग चाहिए। कोई बात नहीं सर, समझते हैं हम लोग। मैं इतना एक्साइटेड हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तुम फ्लो में एकदम। ऐसा कुछ नहीं है रजत, बहुत तेज नींद आ रही थी। ठीक सर सेम, 12 बजे क्लास के बाद सोने वाले हैं। सर तुम क्लास में तो बस सो गए ना, मेरे को तो लगा तुम आप क्लास में बुलाते भी रहते हो सर बीच में, ऐसे कैसे सो जाऊंगा। सर मुझे समझ नहीं, आप सुलाते रहते हो क्लास में। मुझे तो नहीं, मैं तो यही समझा। वो क्या बोला? सर वो बोला आप बुलाते रहते हो। अच्छा हाँ, तो तुम अपने टूटे माइक का फोटो भेज दो, उसमें क्या है मतलब। हाँ नहीं, दीज आर नॉट लाइज या आई एम स्वीट। देखो भाई, तो हम लोग जो है क्या देख रहे थे कि ऐसे तुम्हें प्लेन चेक करना है कि समझ में आ गया सबको। तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेफ्ट साइड वाला फ्लिप करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला फ्लिप करेगा, इसलिए हमको क्या बात है, आज तो मतलब 56 हो गया भाई। अटेंडेंस के कारण थोड़ा डर गए हो गया भाई। सर फिर भी लोग एब्सेंट हैं। अरे वो सब डबल डबल पता नहीं दो दो तीन तीन ती नाम से एक ही लोग घूम रहे हैं। अभी भी कोई एब्सेंट है? कौन एब्सेंट है? हैरी एब्सेंट होगा? नहीं, उत्कर्ष एब्सेंट होगा। सर है वो आपके क्लास में मिस कर सकता हूँ। अच्छा ओके, ये कुछ कुछ इसका मीनिंग है क्या? सर जो आप सोच रहे हो वही मीनिंग है सर। हैव टू पे रिस्पेक्ट्स। हैव टू पे रिस्पेक्ट्स सर। क्या 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 एफ क्या है? यस कमेंट एफ टू पे रिस्पेक्ट एक चीज होती सर। गेम में एक था मोमेंट, एफ दबाने से रिस्पेक्ट पे करता है तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी। कमाल है यार, मतलब मैं तो तुम ऐसे यार शेडी वर्ड्स मत यूज किया करो यार। वो शेडी का है सर, हम लोग सबसे पहले तो होस्ट ऑनली करता हूँ मैं। सर एक लेटर है, वो आपको क्या लगा क्या है? हम लोग की नियत बहुत खास है। आपको कुछ अलग लगा? कुछ नहीं लगा मुझे यार, सब शेडी सोचता उसी की नियत खराब होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग क्या है भाई? चालू है। चलो तो बात ये है कि नहीं मैं बहुत बुरा नहीं हूं यार, आगे देखो यार। चलो देखो, तो बात यह है कि हम लोग क्या करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी। मैं तुम्हें रैंडम अगर मैंने तुम्हें कुछ दे दिया ठीक है, तो उसके अंदर मुझे चेक कैसे करना होगा कि इसका क्या करना है? तो वो तो तुम्हें प्लेन में ड्रॉ करके दे देगा ए बी। ठीक है, तो तुम्हें चेक इसमें बार बार ये लगा के करना है अगेन। ठीक है, कुछ प्लेन परपेंडिकुलर क्या हो गया, प्लेन परपेंडिकुलर। अब क्योंकि ये प्लेन में है तो इसलिए ये ए बी क्या करेगा बताओ? जी आई शो करेगा। इतना समझ में आया सबको? इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अच्छा अब क्या है कि सब जी आई शो करेगा, पता चल गया तो ओआई की केस सीधा निकाल देगा ना? नहीं ऐसा नहीं है, ये भी देखो, ये अभी तक जनरली सारे केसेस में ऐसा हो रहा है, बट तुम जब दोनों पूरा पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसी बातें करना थोड़ा स्टुपिडिटी है। कंपाउंड जीआई और ओआई दोनों शो करते हैं एक्चुअली, समझ रहे हो? कंपाउंड जीआई और ओआई दोनों शो करते हैं, और उसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। ठीक है सर, एग्जांपल दो ना जो दोनों शो करते। हाँ सर, एक सिंपल अभी एग्जाम्पल दे दे सर, एक एग्जाम्पल मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा समझ आए। अच्छा
एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जो तुम्हें एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था, पता है कि प्रेडिक्ट करो ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। अब मेरे को पता नहीं ना यार, बाकी लोग पता चला सो रहे हो और तुम लोग यहाँ से यहाँ इसका लेवल लिफ्ट करते जाओ। देखो सी सी एच थ्री और एच नॉर्मली, देखो तुमने क्या सीखा। अच्छा मैं इस टाइप के एग्जाम्पल में पहले आ जाऊँ, फिर मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम देते हैं एग्जाम्पल दोनों शो करने वाला, ठीक है। तो सपोज अब मैंने रिंग्स के लिए देखो काम शुरू कर दिया, तो पहला रिंग का मैंने एक रिंग का सैंपल लिया, इसका मतलब एक बात तो तय है ना, अब तुम डबल बॉन्ड के किसी भी कॉम्बिनेशन को आराम से सॉल्व कर लोगे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इफ एनीबडी हैज प्रॉब्लम वो टाइप करके बता सकता है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगाते रहो प्लेन परपेंडिकुलर और अपना डिसाइड कर लो, ठीक है। ठीक है भाई शर्मा जी, अब अपन रिंग पे आते हैं। तो रिंग में सपोज उसने फिर ऐसे तुम्हें लगा के दे दिया ए बी और ए बी, सपोज ऐसा लगा के दे दिया। तो जब ऐसा लगा के दे दिया तुम्हारे पास में ए बी, तो अगेन ये वाली ड्राइंग गलत है, बिकॉज ये क्या है बताओ, ये प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन है। तो ट्रीट वन रिंग गाइज, ट्रीट वन रिंग प्रैक्टिकली फॉर ऑल फॉर ऑल केसेस, ये रिंग जो है ये एक रिंग जो है, ठीक है, हाँ रजत, एक जो रिंग है इसको एक डबल बॉन्ड की तरह मान सकते हो, एक सी डबल बॉन्ड सी की तरह मान सकते हो। जो चेंजेस वो प्रोड्यूस करता है वही चेंजेस ये भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग, डबल बॉन्ड प्लस रिंग वाले कॉम्बिनेशन में क्या होगा। हाँ आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं, तभी तो उनको देखो हम इनको कंबाइन कर रहे हैं। देर आर टू वेज टू ड्राइंग दिस, या तो रिंग को प्लेन में रखो, कुछ लोगों को ये वाली ड्राइंग पसंद होती है, रिंग को प्लेन में रखो, इसको वेज डैश जाने दो ए बी, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो प्लेन में है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ये ड्राइंग पसंद होती है कि इस जो है सारे स्ट्रक्चर को ऐसे, ठीक है, ऐसे टिल्ट करके ऐसे रख लो, तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हें ये साफ साफ दिखाई देगा ए बी, ठीक है, और ये रिंग क्या होगा पता, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा और फिर ये दिखाई देगा ए बी। कुछ लोगों को ये इसलिए पसंद होता है बिकॉज जो चीज हमें देखनी है, ठीक है, वो एक्चुअली साफ दिखाई दे रही है, जो चीज हमें मतलब नहीं है वो परपेंडिकुलर में, ठीक है, साइड में पड़ी है। वट एवर बी द केस, योर इमेजिनेशन शुड बी क्लियर इन बोथ द केसेस, ये समझ में आता है भाई, ठीक है। और अच्छा इसके बाद में हमारे पास में मैं मल्टीपल रिंग्स लेके आता हूं, तो अब वो तुम्हारे सामने क्या है, एक सिंपल ड्राइंग, रिंग पे रिंग अगर स्पायरो कार्बन के फॉर्म में ऐसे लाके रख देता है, तो यू शुड नो कि ये चीज इसका ट्रू फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर्म, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा रहेगा हमारे पास में, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा। तो इसलिए सपोज मैंने तुम्हारे, अब ये इसमें भी सेम चीज है, देखो जैसे ये एक सी डबल बॉन्ड सी का पार्ट था, ये इतना हिस्सा एक सी डबल बॉन्ड सी था, ठीक है, तो अगला हिस्सा जो है वो फिर सी डबल बॉन्ड सी है, तो इसमें जो प्लेन बनी लगता था वो सेम चीज यहां पे लगेगी। तो सपोज मैं तुमको अगर ऐसे एटम्स ड्रॉ करके दे दूं ए बी और ए बी, ठीक है, तो मेरे पास में इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बन जाएगा, वो ड्रॉइंग करने में भी एक अपने आप में मजा है, ठीक है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी वन रिंग, एक दूसरी रिंग ये ऐसे परपेंडिकुलर ले आओ, ठीक है। तो अब वापस क्या होगा बताओ, प्लेन, इमेजिन एज इफ तुम कोई रिंग बनाने जा रहे हो, देखो अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड कर देता तो रिंग बन जाता कि नहीं बन जाता बताओ। इस कार्बन को भी मतलब थोड़ी है कि वो रिंग है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो तो यहाँ पे देखो एक हाइपोथेटिकल रिंग बनाने को रेडी है ना, बताओ कंटिन्यूस, ये समझ में आ रहा है क्या, बस यहाँ पे ए और बी एटम मुझे लगा देने हैं बीच में रिंग हटा के। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता बताओ, एक ऐसे फ्लैट रिंग बनने जा रही थी, बट यहाँ पे ए बी एटम लग जाएंगे वेज और डैश पे, अब बताओ मुझे फिर से कि ये और ये सेम प्लेन में है क्या भाई, नहीं। एक डाउट है, जब ये 4C रिंग एक एंड में डबल बॉन्ड होता है उसमें प्लेन परपेंडिकुलर लगेगा क्या, हाँ हम लगा रहे हैं यार, इसका तो जवाब दो, इसमें डाउट नहीं है ना, ये जीआई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बोलो गाइस, नहीं दिखाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट समाजी, यहां तक समझ में आया। Now let's mix these two things. अब बताओ मुझे, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड अगर एक जैसा है, then what is the problem? अगर इन दोनों को मिला भी दिया जाए तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, वो दिखने में चीज भयानक लग सकती है, ठीक है, कि मैंने ये लिया और फिर ये लगा दिया, तो
तो तुम इस जो है कॉम्बिनेशन को किसी भी फॉर्म में सोच सकते हो ना, यू कैन इमेजिन दिस कॉम्बिनेशन एज इफ ये ऐसा होता और यू कैन इमेजिन दिस कॉम्बिनेशन कि ये ऐसा होता, कोई भी कॉम्बिनेशन को इसमें इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास में सपोज सर फर्स्ट वाले जैसे कैसे अज्यूम कर सकते हैं, वो तो प्लेन और परपेंडिकुलर हो गया ना। हाँ ये भी वही है, ये भी तो प्लेन सर, इसमें तो sp2 है ना वो बीच वाला, नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुनो इसकी बॉन्डिंग हम लोग अभी समझ लेंगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा क्यों है ऐसा। देखो अगर मैं ये बोलूं कि ऐसे देखते हैं इसको कि तुम अगर सिर्फ ये वाले दो कार्बन पे फोकस करो, ठीक अभिजीत, सिर्फ ये दो कार्बन पे फोकस करो तो मुझे बताओ इस सी के अराउंड अगर ये प्लेन में है, ठीक है आई एम सॉरी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन में होगा कि नहीं होगा बताओ। ऐसे सोचो ऐसे भी दो बॉन्ड्स होते सी डबल बॉन्ड सी के, सर बट sp2 है ना सेम प्लेन पे होना चाहिए। हाँ सेम प्लेन में है, सुनो मेरी बात समझ नहीं रहे हो तुम, तुम मेरे मेरी बात का जवाब दो, ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में होते कि नहीं होते, प्लेन और प्लेन? यस सर। तो हाउ डिड वी क्रॉस फ्रॉम दिस टू दिस? गुड राधिका, गुड, प्लेन परपेंडिकुलर, थैंक्स, अच्छा पार्टिसिपेशन। ये जो है ये बताओ क्रॉस तुमने किया तो बताओ तुमने इसको परपेंडिकुलर बना के क्रॉस किया ना बताओ, तभी तो पैटर्न बैठा। यस सर। तो मैं यहां पे भी तो वही कर रहा हूं। हां सर समझ गए, ये चीज पूरा रिंग इस प्लेन में परपेंडिकुलर है जो वापस प्लेन में, क्या दिक्कत है? हां हां सर, हू केयर्स कैसे आया है बस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है काम की बात, कि अगर मेरे पास में एक रिंग है और मेरे पास में एक पाई बॉन्ड है ऐसा लगा हुआ, ठीक है, तो मैं अगला बॉन्ड इसी प्लेन में, रिंग के प्लेन में आएगा कि नहीं आएगा बताओ अभिजीत? यस सर आएगा ना। तो भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये अगर प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन है तो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर होगा ना बताओ, ए और बी। तो ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? ये हमारे पास में एक प्लेन, ये हमारे पास में दूसरा प्लेन, ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? नहीं कर। तो सबको ये समझ में आया? इसलिए क्या है कि तुम्हारे पास में, तुम्हें याद है तुमको एक सवाल दिया था जिसके हमने चार केसेस बनाए थे गाइस, ठीक है, जिसमें क्या था बताओ, जिसमें एक जगह CH3 लगा हुआ था, एवरीबडी हैज दैट एग्जांपल CH3, ठीक है, और उसकी उसकी ड्राइंग में शायद एक छोटा सा फ्लॉ था, अगर तुम ठीक कर सकते हो तो तुम्हें करना चाहिए CH3 के बाद में क्या है, वो रिंग एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्लैटर, शायद वो रिंग प्रॉपरली पूरा बना दिया है, ठीक है, CH3H डबल बॉन्ड C, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये ऊपर नीचे है तो ये मेरे पास में आगे पीछे आ जाएगा CH3 और डैश H, ऐसा रहेगा ये। और मैंने चार चेंजेस किए थे इसमें गाइस, तुम्हें याद है क्या, मैंने पहले ये वाले ग्रुप्स इंटरचेंज किए थे आपस में, फर्स्ट केस में ऊपर H और नीचे CH3 कर दिया था मैंने, सबको एग्जांपल मिला? हाँ सर मिल गया, ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से बताओ कि ये GI तो नहीं शो करेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है, इसमें PUS है कि नहीं है बताओ? नहीं है सर, सारे इनेंशियमर नहीं हो सकते ना बच्चे, इनेंशियमर तो दो ही होते हैं, बाकी तो आइडेंटिकल होने पड़ेंगे, बिकॉज तुम्हें मैंने क्या बताया था, कांच में शक्ल देखेगा, कांच में शक्ल देखोगे तो वापस आइडेंटिकल ही बनना है, ये ऑप्टिक्स का रूल है। तो मैंने पहले ये चेंज किया लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ये बन गया, फिर मैंने राइट हैंड साइड वाला चेंज किया, ठीक है, जिसमें CH3 और H, ठीक है, सेम जगह थे, आगे इसमें क्या आ गया था H और पीछे इसमें क्या चला गया था CH3, और आखिरी केस में क्या है मेरे पास में H और CH3 और डबल बॉन्ड C और H और CH3, दिस इज द केस। आखिरी केस में मैंने क्या किया है, मैंने दोनों चेंज कर दिए,
तो कैन यू सी कि जब तुमने दोनों चेंज कर दिए हैं, इफ यू हैव मेड टू चेंजेस, तो ये दोनों एक्चुअली आइडेंटिकल बन गए हैं. ये मिरर इमेज नहीं है, आइडेंटिकल. एक बार इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से फ्लिप कर दो, वो मॉलिक्यूल सेम बन जाएगा. और सिमिलरली ये दोनों आइडेंटिकल बन गए हैं. तो अगर मैं इसको नाम दूं ए बी. सर आप ये होमवर्क वाला कर रहे हैं ना? आई डोंट नो ये होमवर्क है कि नहीं है. हाँ सर, आपने दिया था एक, ये हाँ सर होमवर्क है, बोला था चार बनाने ए बी सी डी. हाँ सर, और सबके आपस का रिलेशन बताना था. हाँ, तो मैं अगर यहाँ मार्क करूँ, शायद ए बी सी डी मैंने मार्क ये किया था, ये ए था, ये बी था, आई डोंट नो, ये सी था, ये डी था. देखो सही है क्या? सर ए तो ए और बी सही है. अभी सी और डी भी सही होगा फिर यार. सर बी और डी भी सही है. हाँ सही है. ए एंड बी क्या है बताओ, अब मुझे बताओ. एनेंशियोमर्स. एक्चुअली तुमने इसकी चार जेरोक्स निकाल दी हैं, इसकी इसकी सिर्फ दो ही, ये एक ही कॉपी निकल सकती है, तुमने तीन कॉपीज निकाल दी हैं. तो ए एंड बी एनेंशियोमर्स हैं. उसके बाद में ए एंड सी क्या है बताओ. अब ए एंड सी भी एनेंशियोमर्स हैं. हाँ सर, यही तो रीजन है कि बी एंड सी क्या है. आइडेंटिकल. दो एनेंशियोमर थोड़ी हो सकते हैं भाई. ठीक है, एंड सो ऑन. आई गेस तुम ये तो समझ गए हो. तो मैं उस पार्ट पे आता हूं जहां पे क्या है. देखो हमारे पास में दोनों एग्जांपल शो कर देता हूं. तो मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था. ठीक है गाइस, वो होमवर्क ये था. नाउ सब फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं संभाजी, लिख सकते हैं. ऑप्टिकल आइसोमर्स ज्यादा बड़ा टर्म है, एनेंशियोमर्स थोड़ा प्रिसाइज टर्म है. ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो सॉरी पोजिशन आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पार्ट है, वैसे एनेंशियोमरिज्म जो है वो एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पार्ट है. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो मैंने तुम्हें ये एग्जाम्पल दिया था गाइज. देखो भाई, दिस इज द हॉरिफिक एग्जाम्पल, जो क्या है, एक मैच्योर बच्चा जो है जिसका केमिकल बॉन्डिंग अच्छा हो, इमेजिनेशन अच्छा हो, इंटरेस्टेड हो. ठीक है, और लोड ना लेता हो इन सब चीजों को, उसके लिए ये बना है. दिस इज द एग्जांपल जो कि शायद हमारी आंखें खोलेगा. तो मैं इसके चार केसेस बनाता हूँ गाइस. इसमें ऊपर नीचे हो सकता है. हाँ हो सकता है. इस यहां वहां फ्लिप कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. तो ये शायद मैंने सॉल्व नहीं किया था. नहीं सर. तो मैं इसका पहला केस ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस कि ये सपोज रिंग है. कैसे ड्रॉ करें ताकि उसका ट्रू एसेंस. ये रिंग बनाई, डबल बॉन्ड सी, चार स्ट्रक्चर्स पहले ड्रॉ करके रख लेता हूँ. तुम्हारे पास जगह है, अगर जगह नहीं है तो कॉपी के ऊपर जो जगह है उसमें ठूस के रख लो भाई. डबल बॉन्ड सी जी आई शो किया था. होमवर्क में किया था तुमने? मैंने किया था. आपने चेक नहीं कर किया है, बट हमने सॉल्व तो किया होगा. हां पे सॉल्व करने बोला था. हाँ गुड गुड. तो देखो मैंने इसमें वेज पे CH3 लगाया. ठीक है, और यहाँ पे CH3 ऊपर रहा और H नीचे रहा. ठीक है अर्पित, अर्पित डैश पे क्या है यहाँ पे? सर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. देखो मैं आज को छोटा बना रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू अ फील. ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाले में वेज का CH3 तो सेम रखा और H को भी सेम रखा. ठीक है, मैंने इस CH3 को नीचे चेंज कर दिया और इसको H को ऊपर रख दिया. ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक चेंज कर दिया ये वाला. अब इसके अंदर मैं एक चेंज कर देता हूँ. देखो अब की बार मैंने क्या किया, मैं इसमें डैश पे CH3 ले जाता हूँ. डैश पे CH3 ले जाता हूँ और वेज पे क्या रखता हूँ, H. थोड़ा देखो मैं H को जो है वो बड़ा ड्रॉ कर दूंगा और CH3 और H को वहीं रखूंगा. CH3 ऊपर और H नीचे. इसके अंदर मैंने लेफ्ट साइड वाला सेम रखा, राइट साइड चेंज किया यहाँ के बीच में. यहाँ के बीच में मैंने राइट साइड वाला क्या है सेम रखा, लेफ्ट साइड वाला चेंज किया. यहाँ मैं दोनों चेंज कर देता हूँ. यही बचा केस, और तो केस बचा नहीं है कोई. तो मैं यहाँ पे ऊपर भी क्या ले आता हूँ बताओ, H को,
और नीचे क्या रख देता हूँ बताओ, सी एच थ्री को, ठीक है, और इधर ऊपर एच ले आता हूँ और नीचे सी एच थ्री ले आता हूँ। अब मुझे तुम्हें बताना है कि if I name these compounds as A, B, अब तुम्हारे पास जो compounds कैसे named हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, C and D, ठीक है, एक एक आंसर डिसाइड कर लो राधिका, and careful, A and B, what are these? मेरे एक मिनट पहले समझने के लिए आपने नंबरिंग जो किया हमारे उसमें, अरे उसको छोड़ो, तुम्हारे उसमें क्या है, यहाँ बोर्ड पे देखो ना यार, आकाश बताओ भाई ए एंड बी क्या है, व्हाट डू यू थिंक, स्मिथ, रोशिक, पार्थ सही है, विश्वजीत सही है, सत्यम सही है, राधिका, अभिजीत, स्मिथ, ओ माय गॉड, एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने गलत लोगों को सही बोल दिया, फिर से शुरू करते हैं। अरे क्या दिक्कत है इसको यार, पार्थ गड़बड़ है, विश्वजीत गड़बड़ है, ठीक है, हाँ स्मित सही है, संभाजी गड़बड़ है, अभिन्न ठीक है, साई गड़बड़ है, सोनल गड़बड़ है, मोस्ट ऑफ द किड्स आर रॉन्ग, बिकॉज क्या है, लेट मी टेल यू व्हाई यू आर रॉन्ग, व्हाई यू आर रॉन्ग, एक मिनट स्टॉप 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 स्टॉप, ठीक है, देवांश अभी भी आया है, देवांश तुम भी कमेंट करोगे क्या भाई, ए और बी में क्या रिश्ता है, आलोक थोड़ा गड़बड़ है, आलोक गड़बड़ है, नहीं राधिका नहीं, नहीं विश्वजीत, हाँ धनुष सही है, रजत सही है, विश्वजीत सही है, सर मेरा सही है क्या, तुम्हारा आंसर कहाँ गया, वापस लिख के भेजो, नहीं खो गया, अभिजीत सही है, नहीं अर्पित, नहीं राधिका, नहीं जोहेब, नहीं सत्यम, विश्वजीत सही है, संभाजी नहीं, संभाजी गड़बड़ है, मोस्ट ऑफ द किड्स का आंसर गलत है, उसका रीजन बताता हूँ क्या है, अच्छा स्टॉप 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 टाइपिंग स्टॉप स्टॉप, तुम लोगों ने ये लॉजिक लगाया क्या कि ये जिस प्लेन में है ये उस प्लेन में नहीं है, जीआई नहीं शो करेगा, राइट राइट, देखो ये लॉजिक यहां गलत हो गया, वेलकम टू द शिट अर्पित, बोलो पलक कुछ पूछना है, सर बट डिस्टेंस तो चेंज कर रहा है ना, सीएच3 पॉइंट टेढ़ा अभी गिर गया है ना वो, मतलब अर्पित अर्पित देखो देखो राधिका देखो देखो होंगे ना, नहीं 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 अर्पित, अरे क्या बात कर रहे हो, कांच में शक्ल देखी और कोई टेढ़ा आदमी निकल के आया बोल रहा है मैं तुम्हारा मिरर इमेज हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, इनैंशियोमर का पहला रूल है अर्पित, क्योंकि वो कांच में शक्ल देखा हुआ सामान है, उसका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं करना चाहिए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अर्पित पहले मेरी बात, अच्छा हाँ सर ठीक, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता इनैंशियोमर में, हो ही नहीं सकता है ना भाई, मिरर इमेज में तुम उल्टा कर लोगे, तुम्हारा तिल लेफ्ट का राइट आ जाएगा, तुम्हारा लीवर लेफ्ट का राइट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन लीवर स्टमक के बीच में डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा यार, सबको ये समझ में आता है ना यार, आलोक ठीक है ना भाई, इसका मतलब क्या है एक बार ध्यान से देखो, ये वो एग्जाम्पल है अर्पित, ये वो एग्जाम्पल है, अगर रुक जाओ सर मूड अच्छा हो गया, सुपना भी
सॉरी रजत, आई एम बैक. देखो तो क्या है कि डिस्टेंस, तुम ध्यान से देखो, देर इज अ प्रॉब्लम इन दिस कंपाउंड. वो ये है कि जब तुम लेफ्ट साइड वाला चेंज करते हो, ये वाला चेंज करते हो गाइज, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होता है. देखो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है. ध्यान से देखो, ऐसे इसको फील करो. देखो तुम ऊपर से, तुम जो है ऊपर से, सब लोग है ना, वे सो तो नहीं गए, एक फोन कॉल में मेरे, ये ऊपर से जब तुम CH3 CH3 डिस्टेंस निकालोगे, देखो मैं वेज बना रहा हूं, लाइक तुम पेपर के ऊपर से आ रहे हो और तुम लैंड यहां पे किए, ठीक है, और तुम पेपर के नीचे से आ रहे हो, मैं डैश बना रहा हूं और लैंड यहां पे किए, ये डिस्टेंसेस दोनों सेम है कि नहीं बताओ. सेम है ना. अच्छा मतलब ऐसे, अच्छा एक और व्यू देखता हूं मैं तुम्हें. देखो ऐसे सोचो एज इफ तुम यहां खड़े हो, दिस CH3 इज योर हेड एंड ये तुम्हारा, ठीक है, लेफ्ट राइट है. तो अभी CH3 देखने के लिए तुमको थोड़ा सा लेफ्ट साइड देखना पड़ रहा है, राइट, और अगर यहां खड़े हो तो CH3 देखने के लिए तुमको थोड़ा राइट साइड देखना पड़ रहा है, राइट, बाकी सब कुछ सेम है. बोलो सही है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ ना. राधिका, अच्छा अब नीचे वाले केस में आओ, तो यहां पे एक्चुअली तुम उल्टे हो गए हो, तो तुमको पहले कहां देखना पड़ता था पता नहीं है, अब तुम्हें एक्चुअली नीचे देखना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ. अब ये एक डिफिकल्ट एग्जांपल है जो एक्चुअली ये बताता है. अभी दोनों, बोलो सर, दोनों अलग अलग प्लेन में है ना अभी भी दोनों क्या है, अलग अलग प्लेन में. हाँ होने, दोनों अलग अलग प्लेन में. सुनो बॉटम लाइन इज डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो GI होगा और लॉकिंग है कि नहीं. सर मतलब जो टेढ़ा अटैच्ड है उसको चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर जो सीधा अटैच्ड है उसको चेंज करेंगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. टेढ़ा और सीधा कौन है देखो पता नहीं. काम की बात यह है कि अगर यही चीज फोर मेंबर रिंग होती, देखो ध्यान से देखो इसको देखो मैच कर रहा हूं. सपोज ये एग्जांपल फोर मेंबर रिंग होता और ये CH3 यहां लगा रहता, यहां पे कॉर्नर की जगह, और ऐसे केस में फिर यहां पे CH3 और H होता. देखो अर्पित, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो इसमें लाइन ऑफ सेंटर है पूरे मॉलिक्यूल का, उसी के अलोंग सारे ग्रुप्स लगे हैं, लगे कि नहीं लगे हैं बताओ. तो अब तक हम जो एग्जांपल्स कर रहे थे वो सारे इस टाइप के हुआ करते थे, समझ रहे हो क्या. ऐसे एग्जांपल्स में क्या होता था, या तो सिर्फ क्या होता था बताओ, GI, या फिर सिर्फ क्या होता था ऑप्टिकल, समझ रहे हो क्या. बिकॉज अगर सेम प्लेन में होता था तो डिस्टेंस चेंज होता था, सेम प्लेन में नहीं होता था तो डिस्टेंस चेंज नहीं होता था. अर्पित समझे क्या, तुमको अर्पित चाहिए था ना एग्जांपल जिसमें दोनों शो होता हो. समझ गया, मैं तो मैं से डिस्कस नहीं करता एक्चुअली बताऊं. दिस इज नॉट अ वेरी हैप्पी एग्जांपल जो सुबह की क्लास में जो है बिना ऑप्टिकल बड़े बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए. तो सर तो ए एंड सी आइडेंटिकल है ना. नहीं, अब देखो एक एक करके हम रिश्ते बताते हैं. पहले तो अब मुझे बताओ, ए एंड सी आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि, अच्छा तुम्हें पता है ए और सी जो है वो एक्चुअली मिरर इमेजेस हैं. हाँ सर. क्यों मिरर इमेज पता है, तुम इसके सामने ऐसे कांच लगा दोगे तो CH3H तो वही रहेगा लेकिन ये दोनों आपस में चेंज कर जाएंगे, सही बात है ना. तो अगर ए और सी आइडेंटिकल है इसका मतलब क्या है बताओ, कि उसमें प्योर सिमेट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. सर ए और सी इनिशियल. तो अब हम रिश्ते बताते हैं, जब तुम्हें इतना समझ में आ गया है ए एंड बी क्या है, ए एंड सी क्या है, बी एंड सी क्या है, और ए एंड डी क्या है, और ऐसे बहुत सारे रिश्ते बता सकते हैं हम लोग. ए एंड बी क्या है बताओ, बोलो गाइस. GI. ये हमारा पहला रूल है भाई, ठीक है. ए एंड सी क्या है बताओ,
देखो ध्यान से, वो रिफ्लेक्शन है कि नहीं इसका गाइस? सही है। बी एंड सी क्या है अब बता सकते हो क्या मुझे तुम मैच्योरली? डिस्टेंस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ मुझे? हुआ नहीं हुआ सर, अगर प्लेन वाले को करते तब डिस्टेंस चेंज। आइडेंटिकल है बी एंड सी। सर बी एंड सी नहीं, बी एंड सी रेंश हमारे बच्चों, मिरर इमेज है। वैसे ही कांच रखो इसके सामने, ये दोनों सेम रहेंगे H और CH3, और ये दोनों रिफ्लेक्शन में उल्टे हो जाएंगे। देखो ना यार, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ बताओ भाई। सर B और C में तो ये हुआ है ना? हाँ सर, I'm sorry, मैं एक्चुअली B एंड D देख रहा था। I'm so sorry, मैं लिख B एंड C रहा हूँ, मैं देख B एंड D रहा हूँ। बी एंड सी अभी देख रहे हैं। हाँ सॉरी सॉरी उत्कर्ष, रुक जाओ जाओ। हाँ बी एंड सी क्या है बताओ? हाँ बी एंड सी में तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। आई एम सो सॉरी। हाँ सर भाई, जी आई बी एंड सी जी आई है। ए एंड डी क्या है बताओ? ए एंड डी क्या है बताओ? ना 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 ना, डिस्टेंस चेक करो सबसे पहले, सबसे पहले डिस्टेंस चेक करो। ये भी जी आई है, ये भी जी आई है। यस ये भी जी आई है। सर इसमें आइडेंटिकल होने का स्कोप नहीं है क्या? नहीं है ना, है ही नहीं इसमें कोई आइडेंटिकल भाई। सर हम ऐसा बोल सकते क्या कि बी ए का जी आई है और सी इनेंशियोमर ए का, तो ऑब्वियसली बी और सी जी आई होंगे। हाँ बोल सकते हैं। अगर अगर दो, अगर मेरे पास में ए और ए डैश दो मिरर इमेजेस हैं, तो जो इसका जी आई होगा वो इसका भी जी आई होगा डेफिनेटली। हाँ दिस इज ऑब्वियसली गुड एग्जांपल, वो तुम्हें दिया था जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, बट इस पर टाइम वेस्ट करें तो हमारा फिर पर्पस डिफीट होता है गाइस। दिस इज टफ टफ वन। हम काम की बात पे आते हैं, बताओ। राइट ऑल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले फॉर ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन एंड प्रेडिक्ट विच कैन शो जी आई। ये सबने किया है। ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या हैं बताओ? तो सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ड्रॉ करो, ठीक है? और देखो ट्राइमिथाइल एक दो तीन एक तरीका, और एक दो तीन दूसरा तरीका। अब बताओ जी आई शो होगा या नहीं होगा, ये देखना तो बहुत आसान है। तो मैंने क्या बताया था बताओ, कि रिंग के अंदर दो कार्बन जो होते हैं, इसको तुम एक डबल बॉन्ड की तरह सोचा करो और देखा करो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है? संभा जी आज पूछूं कि नहीं पूछूं? तुम हाँ ना बोल दो, पूछ लो सर। पूछ लें, चलो गुड। पिछली क्लास में थोड़ा झगड़ लिए थे, थोड़ा संभा जी हम लोगों में डिसएग्रीमेंट था। अच्छा ये बताओ, पहला वाला बताओ संभा जी, जी आई शो करेगा या नहीं करेगा? इसमें तुम्हें ये देखना है ये कार्बन और ये कार्बन, यू नीड टू फाइंड टू कार्बन जिसपे दो डिफरेंट ग्रुप्स हों, कोई में मिला क्या? हाँ राधिका सही है, क्या बोल रही हो? हाँ ठीक है सही है, हाँ पार्थ सही है, हाँ विश्वजीत सही है, ठीक है भाई। देखो जैसे ये वाला पेयर लो, तो इसके ऊपर इस वाले कार्बन पे दो ग्रुप देखो सेम है कि डिफरेंट है? हाँ अर्पित सही है, सेम है ना, CH3 CH3। तुम्हारा आवाज आना बंद हो गया भाई संभाजी। हेलो सर। हाँ हाँ संभाजी, हाँ बोलो। हाँ तो ये वाले कार्बन पे क्या लगा है संभाजी? सर हाइड्रोजन लगा है, दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है दोनों सेम हो गया। हाँ। ये वाले कार्बन पे क्या लगा है संभा जी? सर एक हाइड्रोजन लगा है और एक CH3 लगा है। हाँ सर ठीक है ना, तो ये भी चीज सेम हो गई। हाँ
सही बात है, मतलब इसके अंदर क्या हो गया बताओ, दो ग्रुप डिफरेंट हो गए, सही है ना बताओ। लेकिन मुझे एटलीस्ट दो कार्बन चाहिए ना जिसपे दो ग्रुप डिफरेंट हो, तभी तो तुम डिस्टेंस चेंज करोगे उसका आपस में। तो ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा संभव जी? शो करेगा, ये शो करेगा क्योंकि इसके ऊपर एक हाइड्रोजन और एक CH3 और दूसरे वाले में भी एक CH3 और हाइड्रोजन है। बिल्कुल, और तीसरे वाले भी है यहाँ पे एक्चुअली। हाँ सर, चलो और कोई तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा अपन चार वाले पे आते हैं। अगर लास्ट 15 मिनट्स में हमने कुछ ज्यादा टफ डिस्कस कर लिया है तो घबराना मत, यू कैन फॉरगेट इट, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, स्क्वायर वाले पे, तो स्क्वायर वाले में क्या है, राइट ऑल स्ट्रक्चरल फॉर्मुला ऑफ टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन एंड प्रेडिक्ट विच कैन शो जीआई। टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, एक दो तीन चार, पहले तो दोनों पास पास, ठीक है, दोनों पास पास हैं, फिर दोनों दूर दूर, फिर पहले तो दो पेयर में लगा रहे हैं, अब दो पेयर में और एक एक अलग अलग, तो एक तरीका ये है, दो पेयर में और एक एक अलग अलग, एक तरीका ये है, इसके अलावा कोई तरीका तो पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा क्या है हमारे पास में, चारों अलग अलग, राइट, इज इट राइट? सर अगर थर्ड स्ट्रक्चर में डबल वाले का पोजीशन चेंज किया तो स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, पोजीशनल हो जाएगा ना? सही है राधिका, हाँ अर्पित सही है, क्या बोल रहे हो रोहित, क्या बोल रहे हो? जो अपने थर्ड स्ट्रक्चर बना है ना, 1 2 3, हाँ बोलो, जो दोनों साथ में उसका पोजीशन चेंज किया तो पोजीशनल हो जाएगा ना स्ट्रक्चर? नहीं होगा ना, उसमें तुम कुछ भी करो तो वो यही बनेगा, इन इन दोनों को उठा के यहाँ रखोगे तो यही बन जाएगा ना अल्टीमेटली वो। हाँ सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें डाउट होता है, मतलब स्ट्रक्चर भी पूछ रहा था, मैं एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। हाँ भाई, हाँ सम्मा जी, फर्स्ट वाले में जी आई, यस और नो? हाँ बिल्कुल समझ रहा है राधिका, बिल्कुल समझ रहा है, हाँ पार्थ बिल्कुल सही है, यस सोनल सही है, देवांश सही है, सम्मा जी सही है, फर्स्ट वाला जी आई नहीं दिखाएगा क्योंकि दोनों एच है, दोनों एच है, दोनों सी एस सी, दोनों सी एस सी है, सेकेंड वाले में दिखाएगा इन दिखाएगा, हाँ राधिका सारे सही है, यस सम्मा जी, सेकेंड वाला दिखाएगा इन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, अगेन बिल्कुल सही है, यस विश्वजीत, यस स्मित, बाकी लोग आई होप जग रहे हैं, अद्वैत ठीक है, बाकी नीचे यश, आई थिंक मनीष, ख्याति, अनेया, तो आई गेस तुमने छोड़ ही दिया है, तुम हो कि नहीं पता ही नहीं है। हाँ ओ अच्छा, थर्ड वाला दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? यस यस चारुवी, फोर्थ वाला यस, एक्चुअली इसमें ये सब पेयर्स जो है ना, ये सब पेयर्स काम कर रहे हैं अपना, और इसमें तो बहुत सारे पेयर्स ही पेयर्स, यस सबको एग्जांपल समझ में आया, ये सो इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, गुड। एंड फाइनली ये हमारे पास में एग्जांपल्स, तो मैं इसके एग्जांपल्स के आंसर्स लिख रहा हूं, इसको देखो भाई, CH3 डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, जल्दी से तुम्हें चेक करना है, देखो प्लेन सब में प्लेन परपेंडिकुलर लगाना है, सब में वही लगाना है, तो इसको प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर, यस और नो? नो, यही नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है भाई, इसी लाइन पे है कि नहीं बताओ, ये सारा सामान अभी हम सेफ हैं, नहीं तो लोचा हो सकता था एक्चुअली, मैं बताऊं तो, ठीक है। अच्छा अगला वाला, एक कार्बन कम कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 रिंग, डबल बॉन्ड रिंग और CH3, हाँ भाई यस और नो? हाँ जैसे प्लेन में है, यस होगा। अच्छा अगला वाला, अब अगले वाले में क्या है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, स्टूडेंट ड्रॉज लाइक दिस, मतलब उसकी ड्राइंग में ही मतलब खोट है, मन में जो है उसके
मन में मतलब वो पाक साफ मन नहीं है उसका, उसने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है दैट द प्रॉब्लम इज बाउंड टू गेट रॉन्ग, वो परपेंडिकुलर बन एक प्लेन है ये तो आप एक लेक्चर से अच्छा तो इसलिए क्या है कि तुम्हें नहीं नहीं बात ये नहीं है, देखो बाद में बताता हूँ, देखो बात ये दैट यू हैव लॉस्ट द काउंट ऑफ सिमेट्री दैट दिस मॉलिक्यूल टेढ़ा बन गया है, मतलब पूरा मतलब प्लेनर की बात नहीं है, मैं तुम्हें देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ वो तो तुम बना लोगे बट तुम उसमें भी गलत कर दोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ ब्यूटिफुल पेंटागन जिसके अंदर जो है सिमेट्री जो है वो टपक रही हो मतलब हर जो है एंगल से दैट शुड बी द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग, तो तुम्हें क्लियरली दिखाई देता है कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है, एक टेढ़ा मुचा हुआ इस पे कोई बैठ गया हो पेंटागन पे ऐसा ऐसा पेंटागन जो है, मतलब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं दैट इट शुड बी वेरी एविडेंट इन योर डायग्राम कि यहां से तुम एक कदम चले ठीक है और उसके बाद तुम यहां पे लैंड हुए तो तुम्हें पाई बॉन्ड मिला, ये फीलिंग यहां भी आनी चाहिए ना, यहां से एक कदम चले और उसके बाद यहां पे आए तो पाई बॉन्ड मिला, इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये इस तरफ से और इस तरफ से सिमेट्रिक है, ये सिमेट्री इस तरफ ऐसे टेढ़े मेढ़े डायग्राम में क्लियर नहीं आती है, दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे कि दोनों तरफ से सिमेट्रिक है ये तुम्हें दिखाई देना चाहिए, ये जीआई नहीं दिखाएगा, ये तो बात सही है ये जीआई नहीं दिखाएगा, ये ऑप्टिकल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, जल्दी देखो प्लेनर सिमेट्री है कि नहीं है, प्लेनर सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकल भी नहीं दिखाएगा, ये कुछ नहीं दिखाएगा, तो मैं अगला मॉलिक्यूल लेता हूँ, अब अगले मॉलिक्यूल में भी टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर जो है वो हम ड्रॉ करने से पहले एक ऐसे सिमेट्रिकल पेंटागन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और सेम ही केस हो गया ना, नहीं सेम केस नहीं है ना, देखो इसका देखो इसमें देखो पाई बॉन्ड थोड़ी सी पोजीशन शिफ्ट करने की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बाकी तो ऑप्टिकल दिखा, हाँ तो जीआई तो अभी भी नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें क्या देखो इसमें डिस्टेंस चेंज नहीं होगा यहाँ का और यहाँ का, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेट्रिज्म दिखा देगा, अब वो मैं एक्चुअली करना नहीं है, अभी जीआई का आंसर नो रहेगा इसमें हमारा, सर आपने दूसरा पाई बॉन्ड मतलब वो लेटे हुए पर पाई बॉन्ड कहां लगाया वो नहीं समझ रहा, लेटे हुए पाई बॉन्ड कहां पे है बताओ, बीच में है कि साइड में है पहले मुझे बताओ, सर एक मिनट, सर अभी तो है ही नहीं ना पाई बॉन्ड लेटे, वो साइड में रहेगा ना, अपने नोट्स में देखो ना कहां है यार डायग्राम, साइड में रहेगा, साइड में है ना, साइड में है तो कैसे बनाऊं बताओ, साइड में ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना मुझे, हाँ सर ओके, ये बॉन्ड तो बीच वाला बॉन्ड है ना सर, इसमें मतलब हर कार्बन के साथ तो बस हाइड्रोजन अटैच है ना, हाँ सर, तो जीए वैसे भी नहीं देखा सकता, हाँ सर वो ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता वो डबल बॉन्ड, ये कैसी बात है, लो ये लो आखिरी एग्जांपल देखो तुम्हारी सीरीज का, सबसे पहले उल्टा ही शुरू करते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी होता है भाई, देखो अब बताओ यहाँ पे, अब सारे कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं, ऐसे थोड़ी होता है, देखो यहाँ बताओ ये प्लेन और प्लेन है कि नहीं अभिजीत, हाँ सर, तो बताओ यहाँ पे तुम ऊपर ऊपर जब चढ़ के गए तुम्हें बताओ तुम्हें इमीडिएटली क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिला कि नहीं मिला, यस सर, और यहाँ पे तुम खड़े हो ठीक है तो तुम्हें डबल बॉन्ड मिला क्या बताओ, नहीं सर, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड डिफरेंट है कि नहीं बताओ कार्बन टाइप्स में, सर उसको हम सिंपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी देख सकते हैं, एक्चुअली सुनो एक्चुअली तुम ये रिंग खोल दो ना अगर ये वाला पार्ट तो ज्यादा आसान हो जाएगा, बताओ ये जीआई दिखाता है कि नहीं दिखाता है, जिसमें एक तरफ डबल बॉन्डेड पार्ट हो एक तरफ सिंगल बॉन्डेड पार्ट हो, एक तरफ डबल बॉन्डेड पार्ट हो, हां सर समझ गया समझ गए, तो इसको फ्लिप करोगे तो डबल बॉन्डेड का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना यार, हां सर कुछ भी डिफरेंट होगा तो वो जीआई दिखा देगा ना भाई, तो दिखाएगा ना लास्ट वाला, समझ रहे हो, यस सर, और उसके बाद में एक बार इस पे आते हैं हम लोग, अब बताओ उसी लॉजिक से अगर मैं ये लूं डबल बॉन्ड और ये लूं तो ये दिखाएगा सर, फिर इसमें भी उल्टा कर सकते हैं, हाँ क्योंकि ये और ये डिफरेंट है कि नहीं बताओ, दिस इज टाइप वन टाइप टू एंड दिस इज ऑल्सो टाइप वन टाइप टू, तो ये दिखाएगा, सबको समझ में आया, ये दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, आई गेस ये वाला एग्जांपल बाकी है हमारा जिसमें यहाँ बीच में पाई बॉन्ड है और यहाँ साइड में पाई बॉन्ड है ना, दिखाएगा सर वो आइडेंटिकल हो गया एक साइड पे, अरे सुनो जीआई दिखाने के लिए
तुम्हें दोनों तरफ डिफरेंट चाहिए सर, एक साइड तो आइडेंटिकल हो गया। एक साइड आइडेंटिकल होने की वजह से ये और ये सेम टाइप होने की वजह से मामला खत्म हो गया है। इवन इफ यू फ्लिप दिस थिंग, एक साइड से अगर फ्लिप कर भी दिया तुमने इसे, ठीक है, और ऐसा बना दिया तो इसको पूरा फ्लिप कर दोगे अगर, तो ये वापस आइडेंटिकल बन जाएगा। समझ में आया क्या? इसलिए कभी अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने का। सबको समझाइए। हाँ सर, ये समझ गया। वी हैव स्पेंड सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ऑन डिस्कसिंग दीज एग्जांपल्स। आई होप इसमें सब कुछ क्लियर हो सबको, ठीक है। तो इसमें पहले प्लेन परपेंडिकुलर चेक करके प्लेन प्लेन है तो उसके बाद वो भी चेक करना पड़ता है कि सेम है या नहीं। हाँ, obviously यार, double bond, silver bond C के around तुम ऐसी बातें कर रहे हो, silver bond C के around हम लोग plane में कितनी बार चेक करते हैं, वो तो plane में है ही यार, इसमें चेक क्या करना है? फिर responsibility यही तो रहती है कि ये और ये same नहीं होना चाहिए। White board classes were better 11 के start किया था भाई। तभी तो तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर दिए, कम से कम उसमें व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्डिंग तो है उत्कर्ष। तो बात यह है कि तुम लोग इवनिंग बैच से बहुत पीछे हो, क्योंकि उनके दोनों ऑप्टिकल भी हो गए हैं, वो भी आज डिस्कस हो जाएंगे, और उनका एमओटी भी हो गया है और उनका वीबीटी भी डिस्कस हो गया है, और तुम्हारे लेक्चर थोड़े से कम हुए थे। यू नीड टू कैच अप गाइज, यू नीड टू डू थिंग्स फास्ट। चलो ठीक है बच्चों, इसको जो है एक बार आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें, हम लोग बाकी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर जो हेलो सर, हाँ बोलो बोलो। अरे सर, जो वेडनेसडे को टीडब्ल्यूटी है उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है क्या? नहीं आएगा, हमने नहीं पढ़ा है तो आई थॉट कि लिखने में समझ में आ जाएगा ज्यादातर वैसे, बट ठीक है हम क्लास में देखेंगे उसे एक बार। सर और डाइपोल वाला आ रहा है क्या? डाइपोल तो आएगा ना, डाइपोल तो किया है ना हमने। हां सर, ओके सर। सीएमए कौन से लेक्चर तक करना है? जीआई का, जीआई का सीए में इस लेक्चर तक करना है सर। वो डायपोल के नोट्स वाला वो नहीं किया, वो एच बॉन्डिंग वाला ना। हाँ हाँ, ऑप्टिकल आ रहा है? ऑप्टिकल नहीं आ रहा। अरे अरे, बस ऑप्टिकल नहीं आ रहा, इसी लेक्चर तक आ रहा है। जीआई भी इसी लेक्चर तक आ रहा है, ठीक है। मेरा एक लेक्चर देखो, जीआई का 7, 8, 9 जो है ना, मेरा नेक्स्ट लेक्चर कब है बताओ? ये बताओ कल परसों कब है? वेडनेसडे को, मतलब परसों है, आज का मंडे है ना, परसों है, ठीक है। तो 7, 8, 9 का लेक्चर जो है देखो, मैं हो सकता है उसमें वो आ जाए। सर जी, सर आप वेडनेसडे को एच बॉन्डिंग नहीं लेंगे? वेडनेसडे को हम लोग क्या है, वेडनेसडे को एक बार जीआई वाला पार्ट फिनिश कर देंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे बॉन्डिंग में। सर तो वो जो हमने लिखा है एच बॉन्डिंग और वो सीए में भी नहीं आ रहा है, अब देखते हैं यार। देखो जो अपन वेडनेसडे को देख लेंगे, दोनों ही चीजें बहुत सिंपल है यार, तुमने एक बार लिख लिया ना, तुम्हें मेजॉरिटी सर वो बस लास्ट वाले तुम्हारा क्लास जो है वो 11 बजे से दूसरा क्लास होगा, ठीक है? बोलो हाँ, वो हम बाद में करेंगे। नहीं, बैंड्स वाले में नहीं आएगा, नहीं। ओके ओके, चलो भाई, थैंक यू। जो रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर हैं वो नहीं आ रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर मतलब 7, 8, 9 तक थोड़ा सा जीआई तुम थोड़ा रेडी रखो यार। वेडनेसडे को हम थोड़ा सा उसमें टच करेंगे, थोड़ा सा गोस्ट एटम समझेंगे और वो क्लियर हो जाएगा। तो एच बॉन्डिंग वगैरह नहीं आ रहा है, मैं भी ना ग्रुप पे क्लियर कर दूंगा, रुको, ठीक है? चलो मैं भी डालता हूँ।